जी पहुंच गए लेकशोर फाइनली। आज भीड़ भी काफ़ी है, आज जा रहा मज़ा क्योंकि वेदर आप अच्छा होने लगे, आप विंटर में जाने लगे, समर आ गया ऑलमोस्ट, तो हवा भी ठंडी ठंडी चल रही है। मैं सोचा जैकेट रख ही लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं आगे। वधिया भी वो शेप है ना, चल ले आपके पास यार। इंडिया घर है, फैमिली है, बट यहाँ पे भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। आज ही देखो बंदे ने आईफोन चेक कर लिया, देखो फोन चाल देखो, यदि चलने का तरीका देखो उसका, आईफोन पकड़ के ना हाथ हाथ में लेके छाती चोड़ी होगी इसकी। हाय बधाई हो उस्ताद, और कितना महसूस हो रहा है? और मैं यहाँ हवा की ऊंचाइयों हवा की ऊंचाइयों में। I've seen a lot of change, been through a lot of pain, some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके नए वीडियो नए ब्लॉग में। तो फिर से हम आगे, काफ़ी दिनों के बाद फाइनली मौका मिला ब्लॉग बनाने का, तो आज बड़े से काम करने हैं हमें और घूमने जाना, उसके बाद मोबाइल लेना शंकु के लिए। शंकु जब से आया उसके बाद एक पुराना फ़ोन था, अब उसने नया फ़ोन लेना है। कौन सा लेना है? आईफोन 13 लेना है उसने, तो उसको वो दिलवाना, और उसके बाद हमने लेक शोर जाना। लास्ट टाइम हम गए थे जब न्यू ईयर था, तब वहाँ पे कोई था नहीं, पर आज कोशिश है कि हम वहाँ जाएँ, और उसके बाद हमारे सबसे अच्छे दोस्त उनके घर जाना, सबसे पहले उनके घर जाएंगे, उसके बाद उनको साथ में ले जाके फिर जाएंगे। चलो मिलते हैं फिर। तो फाइनली डिसाइड ये हुआ कि सबसे पहले हम जाएंगे मनी भाई के घर, वहाँ से उनको पिकअप करके उसके बाद जाएंगे, पहले इसका फ़ोन इसको दिलवाएंगे, फ़ोन दिलवाने के बाद फिर हम जाएंगे लेक शोर। और चलो ठीक है, मिलते हैं वहाँ पे जाके, एक छोटी सी बच्ची से मिलाएंगे, उसका नाम हमरीता, उससे आपको मिलवाते हैं। तो वेरी एक्साइटेड, काफ़ी दिनों के बाद मिलना उसे भी। चलो मिलते हैं फिर। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. To your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. तो फाइनली ये हमारे मनी भाजी। तो जब मैं इंडिया से कनाडा आया था, मुझे रिसीव किया, और रिसीव करने के बाद रहने का, पहले मैं इनके साथ रहा था, मेरा पूरा सेटलमेंट करके दी पूरी जितनी भी थी, तो आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू हिम। तो मतलब कि मैं सिर्फ नहीं, ये भाई इनके लिए भी, और ये हम सबको, मतलब कि कोई देखते हैं, मतलब कि अगर हमें कोई भी दिक्कत हो, कोई भी हमें हेल्प चाहिए हो, तो गुट्टू को सबसे पहले हम इनको ही अप्रोच करते हैं। तो हाँ जी आ गए असी, अब हमें करेंगे फ़ोन सेलेक्ट। तो ढूंढ ही रहे हैं पहले कि फ़ोन वाला सेक्शन है कहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड की सारी एक्सेसरीज हैं, ईयरफोन से लेके आपके जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लाइसेंस हैं सारे हैं। तो अभी हम ये ढूँढ रहे हैं कि ये एप्पल वाला पोर्शन कहाँ पर, तो आई थिंक पहुँच गए हम वहाँ पर। तो अब हम करते हैं सेलेक्ट इसके लिए आईफोन, सबसे बेस्ट डील चाहिए क्योंकि ईएमआई पे लेना, डाउन पेमेंट भी करनी, और ईएमआई पे लेना, तो देखेंगे कि सबसे कम अच्छा ऑफ़र हमें मिल जाए।
तो वो चीज़ सिलेक्ट करेंगे। तो अभी बातचीत चल रही है, ऑफर पूछे जा रहे हैं। बाकी मेरा ठीक है, मैं अपनी ड्रिंक एंजॉय कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। हाँ जी, वहाँ डीलिंग शीलिंग चल रही है, वो सिलेक्ट कर रहे हैं ऑफर वगैरह जो उनके लिए बेस्ट फिट बैठेगा उसके लिए, शंकु के लिए, क्योंकि बजट भी होना चाहिए उस हिसाब से, ताकि जो अगर वो अपनी ईएमआई भरता है पर मंथली तो उसी हिसाब से सिलेक्शन होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उठा तो ले, फ़ोन ले तो ले, और बाद में उसको पे करना डिफ़िकल्ट हो जाए। कोई कुछ डाउन पेमेंट है वो तो कर देगा इनिशियली, बट बाद में जो मंथली ईएमआई जाएगी वो उसको सोच समझ के डिसाइड करना पड़ेगा। तो वही बातें चल रही हैं। तो फिलहाल हम आ गए हैं, कुछ सामान हमने लिया था कुछ टाइम पहले, वो हमें वापस करना, तो बस उसी शॉप में जा रहे हैं ताकि उसको रिटर्न कर दें। आज ही देखो बंदे ने आईफोन चेक कर लिया, देखो हूँ चाल देखो, यदि चलने का तरीका देखो उसका, आईफोन पकड़ के ना हाथ में लेके छाती चोड़ी होगी इसकी। हाय बधाई हो उस्ताद, और कितना महसूस हो रहा? महसूस, और मैं यहाँ हवा की ऊंचाइयों हवा की ऊंचाइयों में। अच्छा फोन तो दिखा दे सबको, कर जाके अनबॉक्सिंग करनी है? नहीं नहीं, दिखा दो डब्बा, मतलब लो जी लो लाया अभी भाई, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। कितने का पड़ा, मतलब क्या डील पड़ी? कैश कैश, अच्छा कैश उठा लिया है। और कुछ है? बहुत ज़्यादा है, ठीक है यार, है ना। जो वो इंडिया से फ़ोन लेके आया था इसका, वो चल नहीं रहा था सही तरीके से, तो ज़रूरत भी थी, तो फाइनली ख़रीद लिया। वेट कर रहे थे कि आज ख़रीदना है कल ख़रीदना है, बट फाइनली आज वो दिन आ ही गया। क्यों शंकु? बाकी अब यार जल्दी जल्दी निकलते हैं यहाँ से, अब हमने आगे घूमने भी जाना है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया यहाँ पे। क्यों सर? नहीं काफ़ी टाइम। और खाना पीना है भाजी कुछ? उत्थे ठीक है सर, यहाँ जा रहे हैं, वहीं पर जाके खाएंगे पियेंगे, अब निकलते हैं यहाँ पे। और एक बात मैं बताना भूल गया, बाहर बेशक ठंड हो बट आज टेम्परेचर 16 degrees है, और गर्मी वाले हालात शुरू हो गए, इसलिए मैं भी एक शर्ट पहन के आया था, मतलब अकेली जैकेट वाला, तो जैकेट वगैरह तो गाड़ी में रखी हुई है, तो वो चीज़ें। तो बाकी चलो निकलते हैं, बाहर जाते हैं और लेक शोर पहुँचते जल्दी से जल्दी। चलो मिलते हैं। जी पहुँच गए लेक शोर फाइनली, आज भीड़ भी काफ़ी है, आज जा रहा मज़ा, क्योंकि वेदर अब अच्छा होने लगे, विंटर में जाने लगे, सब आ गया है ऑलमोस्ट, तो हवा भी ठंडी ठंडी चल रही है, मैं जाऊँ जैकेट रख ही लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं आगे। Thank you.
आप लोगों ने व्यू देखा होगा। मैं बोला कुछ नहीं ज़्यादा, बस जो भी वहाँ पे पीस था वो सब इंजॉय किया, व्यू इंजॉय किया, काफ़ी अच्छा था। और भाई साहब आपको अच्छा लगा? काफ़ी अच्छा था, मतलब बहुत मज़ा आया वहाँ पे जाके। फिलहाल अभी वहीं पे घूम रहे हैं, तो एक कोक ले रहे हैं, हम घूम रहे हैं, कुछ खाने पीने का प्लान है, कुछ खा लेते हैं, उसके बाद फिर से आएंगे, फिर आपको व्यू दिखाएंगे। मिलते हैं लाइट हाउस पे, यहाँ पे ना एक पास में लाइट हाउस है, वहाँ जाना, तो वहाँ का व्यू भी मैं दिखाऊँगा आपको। बोल में ज़्यादा नहीं रहा, बस कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग इतना मैक्सिमम व्यू ले, व्यू देख सकते हो आपने। चलो मिलते हैं। तो ये है व्यू दूसरी साइड का, अब पहले दूसरी साइड से दूसरी साइड आ गए हमारे। आप एक चीज़ नोटिस करना कि ना, अगर डक है ना तो डक की ना टैग लगाए हुए उन्होंने। अगर कल को कोई कोई यहाँ पे हंटिंग वगैरह करता तो उसको पकड़ा जा सके। तो ये देखो इतनी हिफाजत है इन वर्ड्स की। और उसके बाद आप ब्यूटीफुल नज़ारा देख ही रहे होंगे साथ साथ में ना। आज बोलने में कुछ ज़्यादा है नहीं, बस दिखाने को बहुत कुछ है। आप देखो आराम से, यहाँ पे बहुत रेडी और चल रही है, इसलिए जैकेट वगैरह पहन ली थी। और आज मौसम भी काफ़ी अच्छे, और गर्मी आनी शुरू हो गई है। अब गर्मी आनी शुरू हो गई, अब लोग दिखने भी शुरू हो गए ज़्यादा। लोगों ने अपनी मोटरसाइकिल्स निकाल ली हैं, मेरी पूरी है कि मैं आप लोगों को यहाँ पे जो मैं देख पा रहा हूँ, जो देख रहा हूँ, जितनी खूबसूरती दिख रही है मेरे को, वो आप लोगों को भी मैं दिखाऊँ अपनी वीडियोस के थ्रू। वीडियो मेरी लेट आती है क्योंकि मैं ब्लॉगिंग या वीडियो तभी बनाता हूँ जब मेरा मूड होता है, मन होता है। ऐसे कोई ज़बरदस्ती मेरा कोई काम करता नहीं, और ना मेरी आदत है कि मैं ज़बरदस्ती वीडियो बनाऊँ पकड़ पकड़ के, वैसे कुछ नहीं। जब मन होता कि हाँ यार एक वीडियो बनानी चाहिए तभी मैं वीडियो बनाता हूँ। और वीडियो बनाने से ज़्यादा कि आप खुद इंजॉय करो उस चीज़ को, वो चीज़ पे मेरा फोकस ज़्यादा रहता है कि मैं फील ज़्यादा करूँ, इंजॉय ज़्यादा करूँ, और जो मैं देख रहा हूँ चीज़ें वो आपको भी दिखाऊँ वीडियोस के थ्रू। बस बैठ के अब अपना नज़ारा लेते हैं। हवा हवा की आवाज़ देख रहे होंगे, शिप है ना, शिप देख रहे होंगे आप लोग, वो भी चीज़ है देखने को। और भाजी मैनू इंडिया तो आए थे, बहुत टाइम हो गया, बट पहली बार तुसी इतना टाइम साथ ना स्पेंड किया भाई, इतना टाइम इतना बिजी रहते तुसी। बिजी यार, खाने बस इतने। मैं आपको बता दूं, यही हमारे मणि भाजी हैं, और यहाँ पे 3-4 साल हो गए भाजी आए, 6.5 साल हो गए हैं। देख लो मेरी मेमोरी बड़ी वीक होगी, मैं खुद नहीं पता कितने साल हो गए, 6.5 साल हो गए, वेल इस्टेब्लिश है। और पीछे अभी इनकी सिस्टर की शादी से वो इंडिया गए थे ये। तो भाजी कितना रहा इंडिया एक्सपीरियंस? इंडिया घर है, फैमिली है, बट यहाँ पे भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। और भाजी और सुनाओ, लाइफ किदा चल रही थोड़ी? क्योंकि असी तो क्योंकि साडा तो स्ट्रगल है, तुहानू पता ही है, बिजी बिजी लगी जांदा टाइम। वधिया। और भाई तुसी कुछ अपने व्यूज या कुछ दसना चाहोगे सानू? एक्सपीरियंस तुसी अपना दसो सानू, क्योंकि सानू की सजेशन दोगी थी? सजेशन स्की फॉर किंग, फोकस करो, सही है।
ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰੋ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਕਿਉਂ ਭਾਜੀ? ਪਰ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? 6-6.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੇਕ ਸ਼ੋਰ 'ਤੇ? ਲੇਕ ਸ਼ੋਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ, ਇਹ ਟੋਰੋਂਟੋ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਟੋਰੋਂਟੋ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और काफ़ी छोटा सा ब्लॉग बनाया, ज़्यादा बनाया नहीं लंबा, काफ़ी कोशिश ये थी कि आप लोग सारे व्यू वगैरह देखो, एंजॉय करो। और हमारा भी ये पहला ट्रिप ही था लेक शोर, गर्मी आ गई है, आप लोगों को जैसे बता दिया। आप ज़्यादा यहाँ पे घूमने जाएंगे वहाँ मैक्सिमम से मैक्सिमम वीडियो लेके आएंगे। कोशिश मेरी यही है कि इन सबको भी मैं वीडियो में लेके आऊँ जो छुप रहे हैं, आ नहीं रहे। बाकी ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप मजे करो, एंजॉय करो। चलो बाय।